हाय गाइस, क्या हाल चाल। SBI प्योर प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट नंबर 7 है टेस्ट बुक का, ठीक है, मैंने उसे अटेम्प्ट किया था। मेरा जो रैंक रहा है वो है 496 आउट ऑफ 8519 कैंडिडेट्स, ठीक है। और मेरा जो स्कोर बना है वो है 74 क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट किया था और जो एक्यूरेसी है वो है 89.19% एंड परसेंटाइल जो मेरा इस बार का रहा है वो है 94.19%। इंग्लिश में मेरा 20 स्कोर बना है, मतलब 20 नंबर जो है मतलब मुझे देखने को मिला है और 30 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया था। थोड़ा मतलब मेरी साइड से ही इसमें बहुत ज़्यादा गलती हो गया, मैंने थोड़ा सा मतलब वहाँ पर है ना, मुझे लगा कि हाँ हो जाना चाहिए, मैंने अटेम्प्ट ले लिया बट गलत हो गया। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूँ, एडमिट मैंने पहले ही बताया है, टेस्ट में मतलब मैं इस तरीके से रिस्क वगैरह ले लेता हूँ या तो मतलब हाँ अटेम्प्ट कर लेता हूँ, ठीक है, बट रियल एग्जाम में इस तरह की गलती मैं नहीं करता हूँ। इस तरह का जो बेवकूफ़ी होता है ना या सो कॉल्ड मिस्टेक वो मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स में जो मेरा रहा है स्कोर वो है 15 एंड 15 क्वेश्चंस ही मैंने अटेम्प्ट किया था। रीजनिंग में मैंने 29 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था और 29 जो है वो मेरा मतलब स्कोर बना है, ठीक है। और एक्यूरेसी की अगर बात किया जाए तो ये 100 है, ये 73.33% है या परसेंट है, ठीक है। और ओवरऑल तो मैंने आपको बताया 64 है और 74 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था और जो परसेंटाइल है वो है 94.19%, ठीक है। तो अगर मतलब आप लोग एक अच्छे लेवल को मतलब एक अच्छे मॉक टेस्ट को अगर आप लोग अटेंड करना चाहते हैं जो थोड़ा सा अगर कंपेयर करेंगे एग्जाम से, रियल एग्जाम से, तो हाँ उसको अगर थोड़ा मीट कर रहा है तो हाँ मतलब इसे कह सकते हैं कि हाँ ये अच्छे लेवल का था, काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि हाँ मतलब बिल्कुल ये जो है वो मैच कर रहा है उसके लेवल को, रियल एग्जाम के लेवल को, ठीक है। अगर आप लोगों को पेपर को जज करना आता है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।